एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 4,50,000 डॉलर्स इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जो सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जो सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये मस्ट। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने। फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोड क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 4,50,000 डॉलर्स इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने। फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोड क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने। फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोड क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है, ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है, ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी Joel Sonic from a screenplay co-wrote क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, काफ़ी अच्छी मूवी है ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैगनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है, ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर्सो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोबेल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैगनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर्सो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोबेल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैगनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है, ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर्सो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 के नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और क्वीन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड अनुश, जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड अनुश, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 4,50,000 डॉलर्स इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड अनुश, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 4,50,000 $50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्त वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 के नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जीन्स ग्रे ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोड क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोड क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी or Jorsone from a screenplay co-wrote क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोस्वामी एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जो सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोस्लिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जो सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोस्लिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी काफी अच्छी मूवी है, ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले कोरोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले कोरोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले मार्कस स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जो सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जो सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर्सो ने। फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर्सो ने। फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर्सो ने। फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोवेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जीन्स ग्रे ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 के नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था जो इस बजट में मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है, यू मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है, ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले कोरोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है, ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले कोरोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। the grey man। ये ग्रीनी नोबेल की एडाप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडाप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 4,50,000 डॉलर्स इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडाप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोस्लिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 4,50,000 डॉलर्स इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोस्लिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ये ग्रीनी नॉवल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो इस बजट में ये मूवी बनी है, वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवेल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवेल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवेल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवेल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवेल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवेल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैग नेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जो सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। इसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैगनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जो सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ़ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ़ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैगनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ पे। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोड क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीव मैकफीली जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैगनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है, ये मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोड क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैगनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोड क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैगनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ए ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। द ग्रे मैन ए ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटिकल रिलीज़ हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रैकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष, जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $450,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोरसो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर। green one. ये ग्रीनी नोबेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में। विद जेम्स ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोबेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में। विद जेम्स ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, पर काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर सोने फ्रॉम स्क्रीन प्ले को रोट क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नोबेल की एडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में। विद जेम्स ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं, और स्पिन ऑफ भी। इस मूवी का जो रन टाइम है वो है 129 मिनट्स, मतलब 2 घंटे के ऊपर ये मूवी है। इसका जो बजट था, जो जिस बजट में ये मूवी बनी है वो है $200 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस में इसने कमाए हैं 454 $4,50,000 इसने कमाए हैं। मतलब कम है काफ़ी, बट काफ़ी अच्छी मूवी है ये, मस्ट वॉच। द ग्रे मैन 2022 में बनी हुई एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर मूवी है। इसको डायरेक्ट किया है एंटनी और जोर्सो ने फ्रॉम स्क्रीन प्ले क्रिस्टोफर मार्कस और स्टीफन मैकफीली, जो कि बेस्ड है 2009 की नॉवल के ऊपर द ग्रे मैन। ये ग्रीनी नॉवल की अडेप्टेशन है और ये ओरिजिनली अनाउंस हुई थी 2011 में विद जेम्स ग्रे। ग्रे मैन जो है लिमिटेड थिएटर रिलीज हुआ था इसका 15 जुलाई 2022 में। उसके बाद इसका नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रिलीज़ हुआ था 22 जुलाई 2022 को। इसको बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे। कास्ट की तारीफ की गई थी, एक्शन सीक्वेंसेस की तारीफ की गई थी, पर ग्लिच्ड स्क्रिप्ट और ब्रेकनेक पेसिंग की निंदा की गई थी। ये जो फिल्म है ये इसकी सीक्वल भी है, आगे विद गोसलिंग एंड धनुष जो अपना रोल दर्शाते हैं।